नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी है। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के डिजिटल अभियान जग जागरण अभियान के शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा, आज हम माने या ना माने, आरएसएस और बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की प्रेममयी स्नेही और राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ गई है, क्योंकि हमने इसे अपने लोगों के बीच आक्रामक रूप से प्रचारित नहीं किया है। हमें इसे स्वीकार करना ही होगा, लेकिन हमारी विचारधारा जिंदा है, जीवंत है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की और एक आरएसएस की। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला दी है और कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार की है। बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब हिंदू और हिंदुत्व पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी पर बीजेपी हमलावर है। सलमान खुर्शीद ने अयोध्या वाले फैसले पर अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस पर और बोको हराम से की है। वहीं राशिद अलवी ने आज कहा, जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के काले नेमी राक्षस से की है। राम राज्य और जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि रामायण काल के काल नेमी राक्षस है। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।